할게요. 하지 마시오. 하게요. 하지 마시오. 하지 마시오. 하게요. 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 하지 마시오. 하게요. 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 겸나 마야 그래 부칸 반나로예 앞자자 겸나 마야 그래 부칸 반나로예 앞자자 겸나 करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र माँ यमुना की दुर्दशा को लेकर रालोद कार्यकर्ताओं ने आवाज बुलंद की। रविवार को रालोद महानगर संयोजक ताराचंद गोस्वामी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने केसी घाट पर यमुना प्रदूषण को लेकर सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। हाथों में यमुना शुद्धिकरण और यमुना में गिर रहे नालों को टेप करने आदि के स्लोगन लिखे तख्तियों को हाथ में लेकर विरोध जताया। रालोद नेता ताराचंद गोस्वामी ने कहा कि जन जन की आराध्य यमुना आज एक गंदे नाले का स्वरूप ले चुकी है, लेकिन सरकार और सरकार के नुमाइंदे इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। लाखों करोड़ों रुपए यमुना शुद्धिकरण के नाम पर बर्बाद कर दिए गए, लेकिन यमुना आज भी अपनी बदहाली पर सिसक रही है। रालोद नेता ने यमुना के दोनों तरफ नाले का निर्माण करने की मांग की, साथ ही यमुना को शुद्ध होने तक प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। क्या है, क्या कहेंगे इसके बारे में? आप देख रहे हैं कि यमुना मैया किस रूप को ले चुकी है। यहाँ जो केसी घाट देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा प्रसिद्ध स्थान है। मैं भी एक छोटा था उस समय, तो यह आया करता तो इसमें यदि पैसे डाल दिया किसी परदेशी ने तो वो चमकता था। आज मैं समझता हूँ चमकने की क्या चल रही है। आचमन लेना बहुत दुर्भाग्य है। आदमी यदि हाथ में जल लेता है यमुना जी का तो कीड़े आ जाते हजारों। आज यमुना मैया मैया ना हो करके एक नाले का रूप धारण कर चुकी है। ये जो सरकार है, इसने वायदा किया था, इसने कहा था कि यदि हमारी सरकार आई तो नमामि गंगे के तहत यमुना का सफाई किया जाएगा, लेकिन आज तक यमुना मैया अपने गंदे नालों की नाले के रूप में आंसू बहा रही है। जिस प्रकार से द्वापर के अंदर यहाँ पर नाग रहता था, जहरीला हो गया था, जो पानी पीता मरता, आज वो स्थिति यमुना मैया की है। आज किसी को कृष्ण बनकर के यहाँ पर आना पड़ेगा, नहीं तो यमुना मैया इसी प्रकार रोती रहेगी। देश प्रदेश के लोग, यात्री, परिक्रमार्थी, दर्शनार्थी यहाँ पर आते हैं प्रतिदिन। आपके जो प्रदर्शन है उसका उद्देश्य क्या है, क्या मांग करते हैं? हमारा उद्देश्य यह है कि दिल्ली से लेकर के जब तक बराबर में नाला नहीं बनाया जाएगा, यमुना का जो गंदा पानी दिल्ली का है वो नहीं आएगा जब तक यमुना मैया सफाई नहीं करेगी। गडकरी जी कहते हैं कि मैं दिल्ली से आगरा तक स्टीमर चलाऊंगा। अरे गडकरी जी, आकर के तो देखिए स्टीमर चलाएंगे आप? अरे आपको कुछ पता ही नहीं है, जो मन में आती आप कह देते हैं। योगी और मोदी सरकार एकदम फेल हो चुकी है और यहाँ पर आज ब्रजवासियों ने प्रण लिया है कि हम लोग गंगा जी को यमुना मैया की सफाई नहीं होगी जब तक हमारे आंदोलन चलता रहेगा।